हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद सानू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग मुनगा साग तोड़ेंगे जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम आता है। दोस्तों, रामबाण इलाज एक तरह से उसे बोल सकते हैं हम, बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पेड़ कैसा होता है, उसको तोड़ते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। तो आइए, मेरी माँ लोग तोड़ रही है, दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये तोड़ा जा रहा है, मेरी माँ लोग तोड़ रही है। हम लोग के घर के पास में ही पेड़ है, छोटा सा मुनगा का पेड़, आप लोग देख सकते हैं लाइव तोड़ा जा रहा है। इस तरह का होता है इसका पेड़। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप इसको किस तरह से बनाया जाता है। एक एक पत्ते को अलग करके बस जो डंटी है इसका डंटा, उसको फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है तो दोस्तों, उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं इसको खाने के लिए। ये उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, ना ही ज़्यादा होने देगा ना कम होने देगा। तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है, देसी दवा इसको बोल सकते हैं हम लोग। और मुनगा है इसका नाम, ऐसे मुनगा साग बोलते हैं इसको। तो देखिए किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। इस तरह से एक एक पत्ता हम लोग निकालेंगे, इसको देख रहे हैं, इसको ये निकल जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग प्याज मिर्च ये सब लगा के भूंज देंगे, बस सिंपल सा साधारण सा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, हम आपको आगे का प्रोसेस भी दिखाएँगे कि इसको हम लोग बनाएँगे कैसे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस साग को, मतलब जो मुनगा साग है ना दोस्तों, इसको मतलब कटिंग करना नहीं पड़ता है, चाकू बैठी इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बस हाथ से ऐसे मचोड़ दीजिए, आप देख रहे हैं जैसे किया जाता है, एक एक पत्ते को छांट लेने के बाद इस तरह से आपको पत्ता को मचोड़ लेना है अच्छी तरह से, ताकि सब बारीक हो जाए, जो कि पकने में आसानी हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले हम लोग का कढ़ाई को गर्म होने दिए हम लोग, उसके बाद उसमें तेल डाला गया है, सरसों का तेल, देख सकते हैं आप, ज़रूरत अनुसार डाले हैं, जितना ज़रूरत है, जितना हम लोग को उसके लिए चाहिए था साग के लिए। और इसमें तीन चार टुकड़े डाल दिए हैं हम लोग लहसुन के। तो बस इसको हम लोग फ्राई होने दे रहे हैं, फिर इसमें हम लोग प्याज मिर्च ये सब डालेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें फिर मिर्च डाल दिए हम लोग, ये फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो में बने रहिए ताकि पूरा रेसिपी आपको कैसे बनाना है इस साग को वो आपको समझ में आए अच्छे से। ये देख रहे हैं आप, ये हो चुका था फ्राई, ब्राउन ब्राउन हो गया था। तो इसमें हम लोग प्याज डाल दिए, देख सकते हैं ये फ्राई हो रहा है इस तरह से। मिर्च लहसुन और प्याज को फिर तीनों को डाल देने के बाद फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक। तो इसका वेट करेंगे हम लोग ब्राउन होने तक। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया है, तो बस इतना ही ब्राउन करना है, ज़्यादा भी नहीं। और इसमें हम लोग साग डाल रहे हैं, अब देख रहे हैं, इस साग को धोने का भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसे डायरेक्ट ऐसे डाला जाता है, बस तोड़ तोड़ के अलग कर लेना है, मचोड़ देना है और फिर ऐसे ही डाल देना है इसमें। और देख सकते हैं आप, ये हम लोग डाल दिए हैं साग को इसमें कढ़ाई में। उसके बाद आप नमक डाल रहे हैं इसमें, देख लीजिए आप स्वाद अनुसार, जितना ज़रूरत है, जितना हम लोग को चाहिए इसके लिए। तो हम लोग नमक डाल दिए इसमें और इसको फिर चला देंगे हम लोग ऐसे, आप देख सकते हैं। तो जस्ट ऐसा ही आपको करना है इसको, सिंपल, ये सिंपल तरीके से बन रहा है, ट्रेडिशनल स्टाइल से। इसमें इसके अलावा और कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही चीज़ डालना है। और इसको अब हम लोग चलाने के बाद ढक्कन को बंद कर देंगे,
अच्छे से इसको मिला लेंगे। ऐसे ही आप देख रहे हैं, तो बस ऐसे इसको मिला लेना है ताकि तेल, लहसुन, मिर्च, प्याज सब एक साथ मिल जाए अच्छे तरह से। बस ऐसे मिला लेना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इसका ढक्कन बंद कर दिए हैं। ढक्कन को ज़्यादा देर भी बंद नहीं करना है, बस 1-2 मिनट दोस्तों। इसको बहुत ही जल्दी ये पक जाता है। 2 मिनट मान के चलिए ढक्कन बंद रहेगा, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे ये बना है कि नहीं। तो दोस्तों ढक्कन खोल के फिर एक बार हम लोग ऐसे चेक करके फिर से एक बार इसको मिला लेना है, चला देना है। मान के चलिए ये 10-12 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों इसे हम लोग को 2-3 बार ढक्कन को खोल के दो दो तीन तीन मिनट के बाद खोल के इसको चेक करना है, फिर ऐसे ही मिला के चला देना है, उसके बाद फिर ढक्कन को बंद कर देना है। तो ये वही 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाता है बन के। उसके बाद आप इसे चावल के साथ, खाने के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी भी लगता है लगने में भी। और आप चाहें तो दोस्तों इसका ऐसे, जैसे हम लोग तो इसका साग बना के खा रहे हैं ना, तो अगर कोई, अगर ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है तो उसको आप चाहेंगे तो इसका पत्ता को बॉईल करके पानी में उबाल के उसके पानी को भी आप अगर पिलाइएगा तो ये 10 से 15 दिन में कैसा भी ब्लड प्रेशर होगा तो उसको वो ये कंट्रोल कर देगा। मतलब ना ज़्यादा होने देगा, बीपी को बढ़ने देगा, ना घटने देगा, ये एकदम जितना ज़रूरत है उतना हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि ब्लड प्रेशर ऐसा बीमारी है कि कभी ठीक नहीं हो सकता है। कितनों आप दवा खा लीजिए, अंग्रेजी दवा या देसी दवा, तो बस इसका कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों बस यही बात है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये रेडी हो गया है, अच्छी तरह से बन गया है। तो इसे आप खुद आप खा सकते हैं, ये बन चुका है। 10-12 मिनट हो चुका है तो देखने में भी ये पता चल रहा है। तो इसको हम लोग अब उतार दिए। तो दोस्तों हम लोग इसको खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। बगल में मेरी माँ भी खा रही है, बहुत ही अच्छा स्वाद है इसका, एकदम लाजवाब। देख सकते हैं इधर मेरी माँ भी खा रही है, बहुत स्वादिष्ट है। दाल भात के साथ आप इसे खा सकते हैं। देख रहे हैं बहुत स्वादिष्ट लगता है, कभी खाइएगा तो एकदम मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों घर परिवार में या आस पड़ोस में कोई भी ऐसा कोई है जिसको बीपी का शिकायत है, ब्लड प्रेशर का, तो दोस्तों आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। और दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपकी सपोर्ट की तो ऐसे हमें बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह के हम आपको हमेशा कंटेंट दिखा सके, इसलिए प्लीज़। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।